इस वीडियो में दिखाया जाने वाला फोन मैंने और मेरी टीम ने मिलकर बनाया है, जो कि एक डमी फोन है। ये सिर्फ इसलिए बनाया गया कि ये फोन कैसा दिखने वाला है, इस जानकारी के लिए। तो आप वीडियो को चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूं इस एप्पल आईफोन SE 2020 के। और पहले ही बता दूं कि भाई डब्बा ओपन कर लिया और ये डमी पीस है। पहले ही बता दूं, डमी पीस बोले तो ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि क्या क्या स्पेसिफिकेशन रहेगी और डिज़ाइन दिखाने के लिए। तो भाई कुछ इस प्रकार का इसका बॉक्स आने वाला है, जिसमें कि आईफोन SE 2020 के ऊपर फोटो छपे रहेगी और कुछ इस प्रकार का दिखने में रहने वाला है। इसी की आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। सो इस डब्बे को ओपन कर लेते हैं। डब्बा पहले ही ओपन है, सिर्फ आपको बता दूं कि इसमें बॉक्स कंटेंट्स क्या मिलेगा। यहाँ पास एक लीड मिल जाएगी और यहाँ पास अंदर में हमको एक खड्डा मिल जाएगा और यहाँ पास आपको एक 10 वॉट का चार्जर मिल जाएगा आपको आउट ऑफ द बॉक्स, लेकिन ये 18 वॉट के चार्जर को सपोर्ट करता है। और यहाँ पास एक लाइटनिंग केबल मिल जाएगी और जब आप फोन खरीदोगे तो आपको एक एप्पल के ईयरफोन्स मिल जाएंगे, जो कि अच्छी बात है कि भाई ईयरफोन्स दे रहे हैं। और कुछ इस प्रकार का दिखने में ये फ़ोन रहने वाला है। यहाँ पास हमको 12 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिल जाता है। मिडिल में एप्पल लोगो इस बार दिया गया है। प्रोसेसर की बात रही तो यहाँ पे हमको एप्पल का A13 बायोनिक चिपसेट मिल जाता है। बैटरी की बात रही तो अराउंड 1900 mAh की है और काफ़ी अच्छा बैकअप दे देगी आपको। और यहाँ पास हमको ग्लास बैक दिया गया है, जो कि थोड़ी मैटी फिनिश में है। अगर आप रेड कलर वगैरह लेंगे तो थोड़ा आपको ग्लो भी करेगा, जो कि अच्छी बात है। और कुछ इस प्रकार का दिखने में है। अब बात कर लेते हैं डिस्प्ले की, तो यहाँ पे हमको 4.7 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है, रेटिना डिस्प्ले, जो कि एक IPS डिस्प्ले है। कैमरा की बात रही फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे 7 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाता है। और यहाँ पे हमको टच ID दी गई है, यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस प्रकार का रहेगा इधर। और काफ़ी अच्छा दिखने में ये फ़ोन लग रहा है। और यहाँ पे हमको डिस्प्ले जो है, जैसे दूसरे आईफोन से अगर आप व्हाइट कलर में लोगे तो वहाँ पे आपको डिस्प्ले फ्रंट में व्हाइट कलर मिलेगी, लेकिन यहाँ पे आप कोई भी कलर ले लो, यहाँ पे आपको ब्लैक स्क्रीन ही मिलने वाली है, जो कि काफ़ी दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पास भाई आपको मतलब कि फिंगरप्रिंट सेंसर वो मिल जाता है, जैसे आपको बताया टच ID। और क्या मैं भूल रहा हूँ, और तो कुछ भूल नहीं रहा हूँ बताने के लिए। बाद में प्राइसिंग की बात रही तो 42,500 रुपीज़ इंडिया में इसकी प्राइसिंग रहने वाली है। USA प्राइसिंग की बात रही तो यहाँ पे 64 GB वाले के लिए 399 और 128 के लिए 449 और 559 रुपीज़ जो रहने वाला है वो 256 GB के लिए। और इंडिया प्राइसिंग थोड़ी ज़्यादा रहती है एप्पल की। बताओ आपकी आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।